नमस्कार, सियासत में आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी। क्या काले धन को लेकर सरकार की कोशिश सिर्फ एक दिखावा है? क्या काले धन को लेकर हो रही कवायदें अंधेरे में तीर मारने जैसी हो रही हैं? क्या काले धन को लेकर अभी भी सटीक दिशा में जांच नहीं हो रही है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पनामा पेपर्स के खुलासे ने ये बता दिया है कि दरअसल भारत सरकार अभी तक उन करदाताओं के बारे में अंदाजा तक नहीं लगा पाई है जो दरअसल ब्लैक मनी के खेल के बड़े खिलाड़ी हैं। अब नए खुलासों के बाद सरकार ने एक बार फिर जांच की बात तो कह दी है, मगर सवाल यह है कि दो साल से चल रही जांच में क्या सरकारी एजेंसियों को ब्लैक मनी के खेल के इस एंगल की भनक तक नहीं मिल पाई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर वो लोग अब कहां हैं जो चुनाव के पहले काले धन पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करते थे। ये कहते थे कि काले धन को लेकर हमारे आंदोलन आगे जारी रहेगा, हम सबको बेनकाब करेंगे, मगर जांच की सुस्त चाल के बीच क्यों अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए ये लोग? इसी पर आज करेंगे चर्चा। काले धन को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच रामदेव के राजनीति आसन की ये तस्वीरें महज 3 साल पुरानी हैं। रामलीला मैदान में रामदेव का धरना, पुलिस का लाठीचार्ज और इसके बाद हुआ राजनीतिक हंगामा। मंच से रामदेव ने काले धन के ऐसे ऐसे आंकड़े बताए थे कि लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर बाबा ने ऐसी तगड़ी रिसर्च कहां से की। देश में चुनाव हुए, सत्ता बदली, माहौल बदला, काला धन तो आया नहीं, बाबा जरूर बदल गए। आजकल भारत माता की जय न बोलने वालों का सर कलम करने की धमकी देते फिर रहे हैं राम। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहनकर के खड़ा हो जाता है, बोल मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी वतन का हूं। अरे इस देश में कानून है, इज्जत है कि क्या हम तो लाखों की नजर का सकते काले धन पर हुई सियासत की चंद तस्वीरें दिखाने का मकसद है जुबानी जमा खर्च और हकीकत का फर्क बताना। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर चुनावी दौरों में बहुत कुछ कहा था, सरकार बनाई तो आते ही वादे पर अमल करते हुए काले धन पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जांच शुरू हुई तो सरकार की कई स्कीमें आई, मगर नतीजा ढाक के 3 पांव। कुछ ही हजार करोड़ रुपए का हिसाब किताब बना। अब पनामा पेपर लीक के बाद सरकार फिर से कह रही है कि जांच होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका आग्रह किया है कि इस पे पूर्ण रूप से सरकार कार्रवाई करे और जो जो इसमें से अवैध माने जाएंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है अलग अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं। असल में काले धन का समंदर है बड़ा गहरा, जिसमें जितने गोते लगाई गहराई उतनी बढ़ती जाती है। स्विस बैंक के चोरी हुए पेपर से मिले नामों के सहारे अंधेरे में तीर मार रही सरकार ने विदेशी काले धन के साथ साथ देसी काले धन को सामने लाने के लिए योजना शुरू की थी। इसके तहत पिछले साल सितंबर तक काले धन की सूचना देनी थी। इसमें घोषित संपत्ति पर 30% टैक्स और इतना ही जुर्माना देकर राहत मिलनी थी, मगर सरकार को इसके जरिए सिर्फ 4,147 करोड़ रुपए का ही पता चला। अब इस बार के बजट में एक और मौका मिला है, जिसकी अवधि जून से शुरू होकर सितंबर तक है, जिसमें टैक्स और जुर्माने के लिए 45% राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद 55% रकम सफेद हो जाएगी। अब ये प्लान कितना कामयाब होगा इस पर आशंका पिछले साल वाले प्लान का हश्र देखकर वैसे भी पैदा हो रही है। अमेरिकी थिंक टैंक GFI की रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2013 के बीच भारत से 33 लाख करोड़ रुपए बाहर गए। इन आंकड़ों के आईने में वसूली गई रकम बेहद कम है, फिर भी सरकार चेतावनी दे रही है काले धन के कुबेरों को। असर क्या होगा पता नहीं। आज वित्त मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें CBDT, CIU, FIU और RBI ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है,
उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी और मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी देगी। पनामा पेपर्स के खुलासों ने यह बताया है कि दरअसल काले धन के पूरे खेल को जितने दायरे में समझा जा रहा है, ये खेल उससे कई गुना बड़ा है। अब इस दायरे पर सरकार की नजरें पड़ी है या नहीं, ये तो शोध का विषय है, मगर हाँ इतना जरूर है कि ऐसे खुलासे सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जिसका समाधान अब रामदेव की रामलीला से नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से निकलेगा। रामदेव शायद इसे समझ चुके हैं, सो अभी तेल आटा बेचने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। आलोक जी, बहुत अहम सवाल ये है कि हम अगर बात करें काले धन को देश में लाने के लिए जो SIT का गठन हुआ था, वो अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप में तैयार कर रही है और इतना बड़ा खुलासा जो कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी जद तक नहीं जा पाई है। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उसकी जो दिशा थी वो भी पूरी तरह से दिशा और दशा बिगड़ चुकी है। इन लोगों ने, प्रवक्ताओं ने खूब शोर मचाया BJP के कि हमने एक SIT का गठन कर दिया है, जबकि उस SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था। उससे पहले जो लिस्ट कांग्रेस सरकार ने दी थी, जिस तरह की संधियां थी, उसके आगे आने वाले समय में, पिछले दो साल जो गए हैं उसके अंदर NDA की सरकार ने एक भी ना तो इस तरह का कोई प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया है किसी देश के साथ, और ना ही जो विदेशों में धन जा रहा है उसको रोकने का कोई प्रयास किया गया है। आप देखिए किस तरह से सबसे पहले बैंक का एक घोटाला आया कि 6,000 करोड़ रुपए एक ही ब्रांच से बाहर चले गए, आज तक उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा एक विषय आया, विजय माल्या जी जो इनके बहुत ही नियर एंड डियर माने जाते थे, जिनके सपोर्ट से वो राज्यसभा में तक पहुंचे थे, BJP के MLAs ने उनके पक्ष में कहीं ना कहीं मत दिए थे कर्नाटक के अंदर, उनको आज तक आप वापस लाने की कोई बात नहीं। एक नया, ये तीसरा एक और यहाँ पर सामने आज जिस तरह से आप India 24/7 न्यूज चैनल दिखा रहा है कि क्या क्या हो रहा है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की पार्टी रही, इन्होंने इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और इनके जो समर्थक थे उन लोगों ने भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। शायद वो इस धंधे में स्वयं लिप्त हो गए हैं BJP की सरकार आने के बिल्कुल एक समर्थक तो इस तरीके के थे कि आंदोलन भी उन्होंने जबरदस्त किया था काले धन को लेकर, चाहे हम बाबा रामदेव की ही बात क्यों ना कर ले। और आप जब ये खुलासा हुआ है तो कहां चले गए, काले धन पर जब बात आगे बढ़ाने की बात आती है तो फिर वो कहां चले गए। बहरहाल BJP का पक्ष हम समझते हैं, जरा BJP प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण जी, क्या लगता है कि काले धन को देश में लाने को लेकर जो सरकार की दिशा है वो भटक चुकी है, SIT की जो जांच रिपोर्ट है वो अंतिम चरण में है और इतने बड़े खुलासे को किया जा रहा है, इसके बारे में उनको भनक तक नहीं लग पाई? देखिए, ऐसी बात नहीं है भनक नहीं लग, देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो दो तीन बातें आपके सामने आए कि यह जो जांच होती है वो SIT जो बनाई है उसके पास सारे पेपर जाएंगे, वो इसको जांच करेंगे। दूसरी बात है जो OECD के लेवल पे ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने OECD में एग्रीमेंट किया, G20 के साथ चर्चा की है और अमेरिका के साथ एक फाटका एग्रीमेंट इसी साल हमने साइन किया है सितंबर में, पिछले साल 2015 में, जिसमें इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज की बात है। तो अल्टीमेटली जो और यहाँ पे भारत में ब्लैक मनी वाला बिल लिया है, जब तक आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल कानूनों में जब तक आप कानून को पक्की तरह से मजबूत नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने वो फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है और SIT जो जांच करके ये जो आज खुलासा हुआ है या जो बैंक की बातें, ये क्यों खुलासे हो रहे हैं, ये सारे जो इसके जिम्मेदार तो कांग्रेस की सरकार है, उनके टाइम में यह सारा भ्रष्टाचार का पैसा पनपा और उनके टाइम में यह पैसा विदेशों में गया। हम तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए कानून में बदलाव लाने वो कर रहे हैं। और आज कानून ये जो कांग्रेस है 100 चूहे खाके आज हज को बैठी हुई बातें कर रही है। अगर बैंकों की बात कर रहे हैं, आपने लोन आपने दिए, आपके टाइम हम लोग तो उजागर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। आज ये जो जितनी जो आप देख रहे हैं जो सारे खुलासे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो ये खुलासा तो गोपाल जी ये जो आप कह रहे हैं खुलासे हो रहे हैं, तो ये खुलासे तो आप लोगों की सरकार को करने चाहिए थे ना, आपको करने चाहिए थे। दो साल से तो आप ही लोग काम कर रहे हैं, अब जब बाहर से खुलासे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इस पर ठोस रणनीति अपना रहे हैं, आंकड़े तक तो आप दे नहीं पाए काले धन को लेकर। नहीं देखिए, जो बैंक में खुलासे हुए वो क्यों हो रहे हैं, CBI ने जांच की,
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच की, एसआईटी बनी, आप ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए जो एग्रीमेंट चाहिए, चाहे मैंने आपको तीन एग्रीमेंट बताए, फाटका का एग्रीमेंट है, ओईसीडी के साथ एग्रीमेंट किया है, और फाटका यूएसए से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के लिए आवश्यक है, दूसरा ओईसीडी और G20 यूरोपियन कंट्रीज से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के लिए जरूरत है, और तीसरी बात है भारत में ब्लैक मनी का कानून नहीं था, आप विदेशों से इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते थे, आप ये खुला, अगर आज आप, आपके पास भारत में कोई ब्लैक मनी के खिलाफ कोई कानून नहीं है तो आप इनसे इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते थे। स्विट्जरलैंड से कितनी दिनों से ये मांग रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये भारत में उस कानून को ला ही नहीं रहे थे जिसकी उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आज हम लोगों ने वो एग्रीमेंट कर लिया, अब जो चीज भी आ रही है या केवल ये जो खुलासे होंगे ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, इसमें आप चाहे ये कह रहे हैं कि रशिया के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल पे भी है गोपाल कृष्ण जी, लेकिन सीधे सीधे देश का मामला है, बड़ी हस्तियों के चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने कानून बनाया, ठीक है सरकार के गठन के साथ कानून तो एसआईटी तो बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, 2 साल का वक्त बीत चुका है, आज तक आप आंकड़े नहीं दे पाए, लिस्ट जो नामों की है वो नहीं बता पाए, तो आप क्या कह रहे हैं, किस तरीके की डिप्लोमेसी पे काम किया जा रहा है, किस तरीके से काले धन को लाकर विदेशों में जमे काले धन को देश में लाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल गोपाल जी आपका पक्ष मैं लूंगी, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय पर आप आए थे 2014 का लोकसभा का चुनाव, अरे बहुत भाषण दे दिया, भाषण का टाइम चला गया, अब आपका सुनिए, अब थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए आप लोग, थोड़ी सी अब सुनने की आदत डाली, 80 लाख करोड़, 400 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, इनके तमाम वो ढोंगी बाबा थे, वो भी कोई भी फिगर बताकर चले जाते थे, आज उनकी जबान बंद है, आज वो दूसरे तरह के भाषण दे रहे हैं। मैं केवल ही जानना चाहता हूं, आपके पास ना पहले आंकड़े थे, आज 2 साल हो गए सरकार को आए हुए, जैसा श्वेता जी ने भी कहा, आपके पास आज भी आंकड़े नहीं है, क्या आप स्विट्जरलैंड के संधि की बात कर रहे हैं? एक आम जो श्रोता है वो तो सुनेगा, पता नहीं बीजेपी ने क्या कर दिया। अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए, अरे सुन तो लीजिए ना गोपाल जी, आप इतना उतावले क्यों हो रहे हैं, आपका भी नाम तो नहीं है, शांति से सुनिए। मैं केवल एक जानना चाह रहा हूं कि आपने अगर स्विट्जरलैंड के साथ संधि की थी, आंकड़े नहीं है, अरे साहब मुझे आप सुनिए तो सही, आप उत्तर मत देना बेशक, सुन तो लीजिए। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए स्विट्जरलैंड ने कोई लिस्ट दिया आपको 2 साल में? हाँ, तो जो 628 के नाम हमने दिए थे सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को, उसको 629 नहीं कर पाए आप लोग, और जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो अरुण जेटली साहब जो है मीडिया के सामने चेयर पर बैठ के कह देते हैं कि कांग्रेस के नाम आ जाएंगे, फजीहत हो जाएगी। अरे भाई आप नाम लाइए ना, आप उनको अंदर कीजिए। आज जिन लोगों के नाम मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहे हैं वो तो मोदी साहब के कहीं ना कहीं करीबी माने जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं गुजरात सरकार के, आप कहिए ना उनके खिलाफ एक्शन लेंगे हम, आप कहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएंगे। आज आपकी तमाम जितने लोग थे उनको सबको जैसे सांप सूंघ जाता है, किसी ने आकर परिपक्व बयान नहीं दिया है। अब आप सत्ता पक्ष में, आप बताइए कि हम उनके खिलाफ कौन सी जांच कर रहे हैं, हम इनके नाम एसआईटी को देंगे सुप्रीम कोर्ट वाली को, आप बोलिए ना, आपके किसी नेता ने यह बात नहीं बोली है। आप कह रहे हैं साहब G20 में हमने डिस्कशन किया, अरे डिस्कशन तो आपने पूरे वर्ल्ड में कर दिया, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0/0 है। आप बताइए चाइना ने आपके साथ क्या किया, साबरमती के किनारे तो आपने झूला झुलाया, तो डिस्कशन से देश नहीं चलता है। आप क्या एक्शन ले रहे हैं? मन की बात में प्रधानमंत्री कहते हैं तो आंकड़े पता नहीं क्या है, आपने पूरा चुनाव लड़ डाला, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुआ काले धन की मार, तो अब की बार उनकी सरकार, आज वो गायब हो गए पूरी तरह से। आप दूसरी बात कहते हैं साहब लोन हमने दिए, अरे भाई भगाया तो आपने, 2 साल हो गए थे केस दर्ज होने के, 1 साल के अंदर आपने सीबीआई से एक क्वेश्चनेयर नहीं भेजा विजय माल्या के पास, आप तो एक साल उनसे, आप तो अपने पास, अरे भाई आप लोगों ने भगा दिया उसको पूरी तरह से, और आप लिपा पोती कर रहे हैं कि मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनेगी, सब लिपा पोती है आप लोगों की। आप लोगों की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है, आज हिंदुस्तान देख रहा है। अगर पहले घोटालों का पता भी चला तो आरटीआई कानून के तहत पता चला, और वो कांग्रेस की देन थी। गोपाल जी एक बात ये साफ साफ बताइए आप, तो चलिए जो खुलासे हुए हैं इसमें जो नाम निकल कर, तीन बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, चाहे हम ऐश्वर्या राय बच्चन का ले ले, अमिताभ बच्चन का हम नाम ले ले, केपी सिंह का हम नाम ले ले, क्या अब जब ये बातें हो रही है इन पर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? क्योंकि वो बड़े नाम है जो कहीं ना कहीं टैक्स के जरिए अपना तो पैसा बचाते रहे लेकिन देश को बहुत नुकसान पहुंचा गए। देखिए इन्वेस्टिगेशन करना एक
पेपर के खुलासे पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये जो डॉक्यूमेंट्स है या खुलासे हैं ये एसआईटी के पास जाएगा, एसआईटी जो है वो जांच करेगी और इसमें कोई भी पकड़ आएगा, कितने भी बड़े व्यक्ति का नाम आएगा तो उसको उसके ऊपर खिलाफ सजा होगी। उसको ब्लैक मनी का जो कानून है वो कानून इतना सख्त है कि उसको जेल की सजा होगी, पैसा यहाँ से ले लिया जाएगा, टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। आप इंटरनेशनल जो संधियां है उसके तहत आपकी बात गोपाल जी, चलिए आपकी बात अगर मैं मानती भी हूँ तो आपकी सरकार ने अभी ये बात कही कि विंडो कंप्लायंस की बात आप लोगों ने रखी, विंडो कंप्लायंस के जरिए लगभग 600 से ऊपर लोग सिर्फ सामने आ पाए, पैसों की हम बात करें तो 4000 करोड़ से ज्यादा का पैसा नहीं आ पाया, तो किस कानून की बात आप करते हैं? तो इसीलिए तो सख्त कानून, जब सख्त कानून की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए 2 साल में कितने ब्लैक मनी वालों को जेल में डाला है आपने? सख्त कानून एक नाम बताइए कि जिसको आपने जेल के अंदर डाला है। मैंने आपको सुन लिया। अरे सर बता तो दीजिए ना, आप सख्त कानून कहाँ है? वो 90 दिन की विंडो के बाद आप जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत पकड़े जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ 2 साल में कितने लोगों को आपने व्यापार कानून के तहत जेल में डाला? प्रॉब्लम थी उसको एक्साइज के थ्रू एक को भी जेल में डाला वो कानून, आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते तो पार्लियामेंट चलेगी तो जेल में डालेंगे, आपने तो कानून बना दिया, उस कानून को पास करने में हमने मदद की आपकी, आपका नहीं किया तो बताइए। हाँ तो कानून तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे उसके साथ, कब करेंगे? अगली बार तो आपकी सरकार आई कब करेंगे? उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो एसआईटी बात, अरे सुप्रीम कोर्ट को 500 नाम देंगे आप ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं इस बात को? क्या किया आपने तो भ्रष्टाचार के 625 लोगों के नाम आलोक जी ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, लेकिन ये नाम कौन है, क्या वाकई इन्होंने काले धन के तौर पर कितना पैसा दिया ये सामने नहीं आ पाए? गोपाल जी सीधे सीधा एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि अभी तक 2 साल में नाम सामने नहीं आ पाए, आंकड़े सामने नहीं आ पाए, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, नहीं कानून बनाकर आगे बढ़ा जाएगा, आपने 3 बातें यहाँ पर मुख्य तौर पर रखी जिसको कहा कि कानूनों में परिवर्तन करके कैसे आगे लाया जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को शुरुआत की जाती है मकसद तक पहुंचाने के लिए, लगता है ये मकसद पूरा हो पा रहा है? नहीं देखिए मकसद पूरी तरह, देखिए 2 चीजें भ्रष्टाचार की लड़ाई में, एक तो सबसे पहले जो यहाँ पे जेनरेशन था भ्रष्टाचार का, चाहे वो रियल एस्टेट में था, भ्रष्टाचार चाहे वो नहीं है ब्लैक मनी पे है, भ्रष्टाचार का हमने लोकपाल अभी तक 2 साल हो गए लोकपाल नहीं बनाया, हमने चाहे कोल ब्लॉक भ्रष्टाचार की लड़ाई देश देख रहा है, खोखली लड़ाई है, कोल ब्लॉक एलोकेशन के भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया है भाई, कहाँ पर है उसको आप मुझे केवल ये बताइए 2 साल हो गए, श्वेता जी ने पूछा हाँ। एक भी नाम आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? पहले आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कांग्रेस नाम छिपाना चाहती है, अब कौन छिपा रहा है? कैसे नहीं किया आप बताइए ना, किसका नाम आपने छिपाया, किसका नाम उजागर किया? आपने जो कोल ब्लॉक एलोकेशन में, कोल ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, 3G स्पेक्ट्रम ब्लैक मनी पे आई है, भ्रष्टाचार कोल ब्लॉक की बात भी करेंगे आपके मुख्यमंत्री, वो रोकेंगे ना आपके रोके जहां से रिकमेंडेशन आई है, देश में भ्रष्टाचार करते रहेंगे और नारे लगाते थे आप, अरे नारे वाली पार्टी तो आपकी है, आप मुझे केवल ये बता दीजिए 2 साल में आपने एक भी नाम उजागर क्यों नहीं किया, और कौन से देश से संधि होने के बाद आपने नाम मंगाया है? 2 सवालों का सिंपल जवाब, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में हो, रियल एस्टेट में हमने 1 लाख करोड़ का, रियल एस्टेट पे पहुंच गए, आज हम डिबेट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, 20,000 से ऊपर ब्लैक मनी के ऊपर ट्रांजेक्शन को रोक दिया, सिंह की बात जरा पूरी, हमने देश में भ्रष्टाचार और काले धन के जो जनरेशन को रोक दिया है, हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, 1 लाख से ऊपर आप कहते हैं रोक दिया, गोपाल जी आप कह रहे हैं कि रोक दिया, हमने पूरे विंडो फिर अगर आपने पूरी तरह से रोक दिया तो जितनी बड़ी संख्या, जितना बड़ा एक तरीके से फिगर अब तक वक्त दर वक्त सामने आता रहा है, तो विंडो कंप्लायंस के जरिए तो उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए था, वो कहां चला गया? आप क्या ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि काले धन को लेकर सरकार के पास पूरे नाम आ चुके हैं, आंकड़े आ चुके हैं और फेयर तरीके से वो सामने रखेगी? आप ये जो कांग्रेस सरकार ने, चिदंबरम ने, ये जो आप अपनी सरकार की बात करें ना गोपाल जी, जो पुरानी सरकार कर गई वो कर गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ तो, आप सरकार में आए सबसे पहला जो कदम लगाया सरकार ने वो ये काले धन को लेकर एसआईटी का गठन किया गया, ये कहा गया हम सारे नामों को उजागर करेंगे, काले धन को लेकर जो जो लोग होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, पैसा लेकर आएंगे हर एक भारतीय के अकाउंट में, आपने कहा था 15-15 लाख रुपए पहुंचेगा, कहां गई ये बातें? आप
देखिए जो भ्रष्टाचार विदेश में जो आप कह रहे हैं एक काम के SIT किया, ब्लैक मनी बिल लाए देश में, कॉम्प्लायंस विंडोज की, ये सारे। और आपको मैंने 3 इंटरनेशनल संधियां बताई, फाटका हमने अमेरिका के साथ साइन किया, क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है। क्यों नहीं इन्होंने किया था? हमने सितंबर 2015 में फाटका और साफ 15 लाख का पाएंगे बात बनाने में, तो आप लोग माफ करें, कानून में एक नाम उजागर क्यों नहीं किया आज तक आपने? और जो एफिडेविट हमने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, आपने वही रिपीट क्यों किया? एक नाम नाम उजागर करने के मामले में हमने कहा कि हमारी विभिन्न देशों के साथ संधि है, आपने सेम वही एफिडेविट क्यों रिपीट किया?